क्योंकि उस कमर्शियल में लगभग 1100 दुकानें आ रही हैं, 1100 दुकानें आ रही हैं, तो उसमें आप सेकेंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पीछे की दुकान ले लेंगे कोई मतलब नहीं उसका। और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कमर्शियल होगा, कमर्शियल और भी आते हैं, है ना। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ छोटा कमर्शियल। पीछे जो फ्लैट्स हैं लगभग 1800 फ्लैट्स हैं जिसमें 4-4.5 करोड़ 5 करोड़ के लेवल के लोग रह रहे हैं, वो पूरा भरा हुआ होगा। पास में इसमें एकदम ऑफिस ब्लॉक आ रहा है जिसमें बड़े बड़े ऑफिस की प्लेट्स होंगी, उसमें लोग काम करेंगे तो नीचे इसी कमर्शियल में आके खाए पिएंगे, शॉपिंग करेंगे। मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने कॉन्शेंट वन ले लिया था, क्योंकि जब शुरू में वो 12,500 पे लॉन्च हुआ था, आज वो 60,000 के रेट पे है। तो तब दौर के एक्सप्रेसवे का कुछ पता ही नहीं था बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने टाइम में बनेगा। उस टाइम पे अगर किसी ने इतना विजनरी होकर डिसीजन लिया है तो भाई सैल्यूट तो बनता है। डरने वाली कोई बात नहीं, ये दोनों कमर्शियल ऐसे हैं जिसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बेहतरीन चलेंगे कमर्शियल, ये बेहतरीन लोकेशन पे हैं, कैचमेंट बहुत अच्छा है आसपास, तो चलने वाली चीज़ है, डरने वाली चीज़ नहीं है। आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी बहुत बेहतरीन आएगा इसमें और ROI बहुत बेहतरीन आएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज़, वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम लोग खड़े हैं सबसे ज़्यादा जो ग्लैमरस सेक्टर होने वाला है दौर के एक्सप्रेसवे का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रीमियम सेक्टर होने वाला है दौर के एक्सप्रेसवे का, सेक्टर 113 और सामने है सेक्टर 111। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे आगे जाके आप एक बार ज़रा जूम करके देखिए, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिल्ली का धौला कुआं और सारी चीज़ दिखा रहा होगा। बेसिकली वहाँ पे जाके गुड़गांव ख़त्म हो जाता है और दिल्ली शुरू हो जाता है। तो प्रीमियम सेक्टर इसीलिए बोला जाता है या सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सेक्टर 113 जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो राइट हैंड साइड पे पहला सेक्टर होगा जो दौर के एक्सप्रेसवे का गुड़गांव का सेक्टर होगा, और 111 लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। देखिए आप लोग सभी जानते हैं, चाहे जितना भी बोल रहे हैं, बेसिकली गुड़गांव का इंसेप्शन इसीलिए हुआ था क्योंकि दिल्ली में जगह नहीं बची थी उतनी, और इस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एयरपोर्ट करीब है। तो ये जो एरिया है सेक्टर 113 जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इस एरिया की इतनी खसूसियात इसीलिए हैं, इस एरिया की इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि दिल्ली से बहुत करीब है, एयरपोर्ट से बहुत करीब है। एयरपोर्ट समझ लीजिए, ये जब चीज़ बन जाएगी ना, ये अभी आगे बंद है, ये नोटिफिकेशन तो आया है कि भाई फरवरी में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ चलिए मार्च में शुरू हो गया गुड़गांव वाला पार्ट, तो ये खुल जाएगा लगभग, मतलब यहाँ तक आप आ सकते हैं। बेसिकली ये है, जब दिल्ली वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होगा तो ये भी खुल जाएगा पूरा, तो यहाँ से सीधे आप निकल जाएंगे। अगर मान लीजिए आप इस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ से आप निकलेंगे तो मान के चलिए आप कि 10 मिनट के आसपास में आप पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट के टनल के अंदर, तो इतना क्लोज़ है। तो पीछे जैसे सेक्टर है, कॉमर्शियल सेक्टर है, पूरा सेक्टर 114 पूरा कॉमर्शियल सेक्टर है, ये पूरा रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल सेक्टर है। आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, आज हम लोग दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, मेरे जो दो फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, वो है आपको जैसे पता है स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 113 1DXP स्ट्रीट, जो आप देख रहे होंगे यहाँ सामने स्मार्ट वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है, और इसी के कंपैरिजन में वर्सेस हम लोग बात करेंगे कॉन्शेंट 2 यानी कि सेंट्रल 102 जो सेक्टर 102 में आ रहा है, जो लगभग यहाँ से मान के चलिए कि आपको 9 किलोमीटर के आसपास आगे पड़ेगा। दोनों के अपनी अलग अलग खसूसियात हैं, अपनी अलग अलग खासियतें हैं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो दो तीन वजहों से लेके आया हूँ। एक तो ये होता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं रेसिडेंशियल में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कॉमर्शियल लेते वक्त बहुत सोचते हैं और सोचना बनता भी है। आप मेरे पर भरोसा इसीलिए इतना करते हैं क्योंकि मैं हर प्रोजेक्ट का वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप लोग पूछते भी हैं कि भाई आपने, मैं ये प्रोजेक्ट लेने का सोच रहा हूँ लेकिन आपने इस प्रोजेक्ट का वीडियो नहीं बनाया तो क्या कुछ गड़बड़ है? तो ये थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी हमने बनाई हुई है और हम हर प्रोजेक्ट का वीडियो नहीं बनाते, उसी का बनाते हैं जिसमें हम लोग को लगता है कि हमारे इन्वेस्टर, हमारे व्यूअर्स जो है उनको फ़ायदा होगा। कॉमर्शियल में सबसे बड़ा डर आप लोग को ये होता है, और जो डर होना भी चाहिए, कि भाई हमने शॉप तो ले ली, अगर हमारी शॉप खाली पड़ी रही, हमने लोन भी हम सोच रहे हैं लेने का, हमारी EMI भी शुरू हो जाएगी फॉर एग्जांपल, अगर हमारी शॉप खाली पड़ी रही या हमारी शॉप लीज आउट नहीं हुई तो हमारा ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका पेन पॉइंट ये है कि भाई हमारी शॉप, हमें ऐसी शॉप दिलवाइए अगर हमें कॉमर्शियल, क्योंकि पता है आपको कि रेजिडेंशियल में अगर 2-2.5% का मैक्सिमम 3% का ROI आता है, तो कॉमर्शियल में 8-9% का आ जाता है, इतना डिफरेंस है। तो कायदे से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो रेजिडेंशियल के कंपैरिजन में कमर्शियल में करना चाहिए, लेकिन फिर भी कमर्शियल में इसीलिए लोग डरते हैं क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ इसकी वजह से डरते हैं लोग। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल रिकमेंड नहीं करता हूँ, बेसिकली मैं बड़े कमर्शियल ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर बड़ा कमर्शियल रिकमेंड करें तो भी या तो आपकी ग्राउंड फ्लोर की शॉप हो या तो आपको फूड कोर्ट की शॉप हो, क्योंकि फूड कोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो चलती है, थोड़ा बजट में भी होती है। ग्राउंड फ्लोर की अगर शॉप है तो फ्रंट की ग्राउंड फ्लोर की शॉप
थोड़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन वो एकदम प्री लॉन्च में आप लें, अगर आपका बजट है उस लेवल का तो आप ग्राउंड फ्लोर की चीज़ लें, नहीं तो एक बड़े कॉमर्शियल में फर्स्ट सेकेंड फ्लोर की पीछे की शॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये इसको मैंने बहुत प्रमोट करा है, मेरा बहुत फेवरेट है स्मार्ट वर्ल्ड मंडी एक्सपी स्ट्रीट। अभी इसमें बहुत कम चीज़ें बची हैं, मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें, और इसको कंपेयर करेंगे थोड़ा सा कॉन्शन 2 यानी कि सेंट्रल 102 के साथ, और क्यों कंपेरिजन कर रहे हैं वो भी बताएंगे। इसी के पास में आप देखिए, ये देखिए कैपिटल बन रहा है, मैं आपको हो सकता है थोड़ा सा अभी काला दिखूँ क्योंकि अपोजिट लाइट है, लेकिन मेरा गोरा काला दिखने से ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़रूरी है कि आप लोकेशन समझे, जो बात मैं कह रहा हूँ वो समझे। पीछे आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, ये पूरी जो खड़ी हुई है कैपिटल एमत्रिम कैपिटल है, इसी के पास में SCDA आ रहा है, SCDA भी अच्छी चीज़ आ रही है, मतलब उसके बारे में अगर पूछना है आप तो पूछ लीजिएगा हमसे, क्योंकि अभी इन्होंने रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस करा है, पहले थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा था लेकिन अभी कुछ TPR ये लेके आए हैं उसकी वजह से रेट थोड़ा सा सही आ गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर करना चाह रहे हैं तो #SCDA लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये वाला। तो मैं कह ये रहा था कि यहाँ पे कैपिटल एमत्रिम कैपिटल, एमत्रिम कैपिटल के नीचे जो एक बड़ा कमर्शियल आ रहा है कैपिटल वॉक, शुरू में 2023 की शुरुआत में जब इसी टाइम पे हम लोग अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बस था इसका, बेसिकली 2022 के नवंबर के आसपास, मुझे डेट याद है 4 नवंबर के आसपास ये हुआ था, शुरू हुआ था, उस टाइम पे इसको लेने में फ़ायदा था। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने 4 महीने बाद जब नीचे की जब ग्राउंड फ्लोर की या फूड कोर्ट की चीज़ें निकल गई तो मैंने किसी को भी रिकमेंड नहीं करा, क्योंकि उस कमर्शियल में लगभग 1100 दुकानें आ रही हैं, 1100 दुकानें आ रही हैं, तो उसमें आप सेकेंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पीछे की दुकान ले लेंगे कोई मतलब नहीं उसका। और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कमर्शियल होगा, कमर्शियल और भी आते हैं, है ना। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ छोटा कमर्शियल इसलिए क्योंकि रिकमेंड करता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे ये कमर्शियल है 1DXP स्ट्रीट है, इसमें से 65 दुकानें हैं, 65 शॉप्स हैं, लोकेशन इतनी प्राइम है, बिल्कुल आप समझ लीजिए दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तो इतनी प्राइम लोकेशन है, पीछे जो फ्लैट्स हैं लगभग 1800 फ्लैट्स हैं जिसमें 4-4.5 करोड़ के लेवल के लोग रह रहे हैं, वो पूरा भरा हुआ होगा, पास में इसमें एकदम ऑफिस ब्लॉक आ रहा है जिसमें बड़े बड़े ऑफिस की प्लेट्स होंगी, उसमें लोग काम करेंगे तो नीचे इसी कमर्शियल में आके खाए पिएंगे शॉपिंग करेंगे, तो ये सब खासियतें हैं। और एक छोटा कमर्शियल जब होता है, सिर्फ 65 शॉप्स अगर कमर्शियल में है, तो ब्रांड बहुत ईजिली आ जाता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल 10-12 ब्रांड भी आ गए तो आपका कमर्शियल पूरा भर जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रांड जो होता है ना वो एक शॉप नहीं लेता है। अब मान लीजिए आपकी शॉप 585 स्क्वायर फीट की है यहाँ पे, या 612 स्क्वायर फीट की है, तो एक शॉप में ब्रांड नहीं आएगा, वो 4-5 शॉप को क्लब कर लेगा, तो आपको ROI अच्छा आएगा उसमें, आपको लीजिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। जैसे एग्जांपल आप एक बार वो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अपने एक फोटो देख रहे होंगे, ये सेक्टर 85 में त्रिहान आयरिस ब्रॉडवे है, तो वहाँ पे हम लोग अक्सर जाते हैं, क्यों जाते हैं, जब भी हम लोग कुछ खाना पीना होता है, पार्टी करनी होती है, अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है, सोशल है वहाँ पे, मैकडी है वहाँ पे, दरियागंज है वहाँ पे, है ना, तो इस तरह की चीज़ें, तो हम लोग लगता है यार वहाँ चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा, नीचे कुछ खरीदना हो तो मॉडर्न बाज़ार है, तो दिमाग में सिग्नल ये आता है एज अ बायर, सिग्नल ये आता है ऐसी जगह पे हम लोग जाना चाहते हैं। आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, आप ऐसी जगह पे, आप आसपास का अपना कोई भी इमेजिन कर लीजिए कमर्शियल, आप उस कमर्शियल में ज़्यादा जाना पसंद करते होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक जगह पे सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी, जब ब्रांड्स अच्छे आएंगे। तो बेसिकली स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP स्ट्रीट इसलिए मेरे लिए, मेरे दिल के इतना करीब है, और मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स ने यहाँ पे चीज़ इसलिए ली है क्योंकि मैंने उनको रिकमेंड करी। यहाँ पे शॉप्स बहुत अच्छी तरह से लीज आउट हो जाएंगी, जब आप बेचना चाहेंगे बिक जाएंगी, क्योंकि लोकेशन बहुत प्रीमियम है, सबसे प्रीमियम सेक्टर है द्वारका एक्सप्रेसवे का, है ना। तो ये हो गई इसकी बात। अब मैंने दूसरे कमर्शियल की बात करी थी, जो दूसरा मैं कमर्शियल रिकमेंड करता हूँ, अभी लास्ट वीडियो आप थंबनेल देख रहे होंगे, हमने रिसेंट वीडियो बनाया था, कॉन्शेंट 2 आ रहा है, कॉन्शेंट 1 बहुत फेमस है, यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर पीछे आप जाएंगे तो सेक्टर 109 में कॉन्शेंट है, जो कि मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने कॉन्शेंट 1 ले लिया था, क्योंकि जब शुरू में वो 12,500 पे लॉन्च हुआ था, आज वो 60,000 के रेट पे है, तो तब द्वारका एक्सप्रेसवे का कुछ पता ही नहीं था बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने टाइम में बनेगा, उस टाइम पे अगर किसी ने इतना विजनरी होकर डिसीजन लिया है तो भाई सैल्यूट तो बनता है। आज भी हम लोग कितना डरते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे तो द्वारका एक्सप्रेसवे का कुछ पता ही नहीं था कि कब बनेगा कब नहीं बनेगा, तब भी अगर लोगों ने लिया है उस टाइम पे, तो रिस्क बहुत बड़ा था उस टाइम पे, लेकिन उसका दैट पेड ऑफ, तो 12,500 की चीज़ वक्त 60,000 की है, तो उसी का कॉन्शेंट 1 का अब एक बार और आपको मौका मिल रहा है, कॉन्शेंट 2 आ रहा है, यानी कि सेंट्रल 102 के नाम से आ रहा है, सेक्टर 102 में। सेक्टर 113 की खास बात मैंने बताई आपको, सेक्टर 113 की खास बात यह है कि भाई बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ सेक्टर है, आसपास पूरा
कैचमेंट 1800 फ्लैट इसके पीछे आ रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे खास बात ये है, इनका जो ऑफिस ब्लॉक है और इनके जो फ्लैट्स आ रहे हैं वही इस कमर्शियल को चला देंगे। और मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि दूर से कहीं से लोग आएंगे, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एम3एम कैपिटल से या SCDA से लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आएंगे। अगर वो वहाँ से भी लोग नहीं आए तब भी ये चल जाएगा कमर्शियल। यही चीज़ कैचमेंट वाली चीज़ जो है वो सेक्टर 102 में भी है। सेक्टर 102 में तैयार, ये तो यहाँ तो कैचमेंट आना है, वहाँ ऑलरेडी कैचमेंट आ चुका है। 30,000 लोग बिल्कुल उस कमर्शियल के पीछे रह रहे हैं, छोटा कमर्शियल है वो भी, इसमें 65 दुकानें हैं, उसमें 90 दुकानें हैं, जिसमें है ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है। तो अभी उसमें रिसेंटली पहले मेरे व्यूअर्स ने उसमें फर्स्ट फ्लोर लिया था क्योंकि ग्राउंड फ्लोर खुला नहीं था। फर्स्ट फ्लोर भी उसमें चलने वाली चीज़ है, लेकिन अब ग्राउंड फ्लोर की चीज़ आप ले सकते हैं उसमें, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर अब मैनेजमेंट की कुछ प्रीमियम यूनिट्स जो उन्होंने निकाली हैं और हमें वो प्रिविलेज मिला है कि हम आप तक वो बात पहुंचा सकें। तो यहाँ पे भी बहुत कम यूनिट्स बची हैं, वहाँ पे भी बहुत लिमिटेड ही यूनिट्स हैं। मैंने ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये है ताकि आपको मेरे व्यूअर्स को बेस्ट चीज़ मिल पाए, क्योंकि ये दोनों कॉमर्शियल लेके निकल जाएंगे तो इस लेवल की चीज़ फिर आना बड़ा मुश्किल है कि छोटा कॉमर्शियल एक इतनी प्रीमियम लोकेशन पर इतने अच्छे कैचमेंट के साथ चलने वाली चीज़। सेंट्रल 102 यानी कि कॉन्शन 2 भी चलने वाली बेहतरीन चीज़ है, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स ने अभी लिया है उसमें मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और यहाँ पे भी जिन्होंने मेरे व्यूअर्स ने लिया है वो मेरी बात मान के मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। अभी बेसिकली इसमें क्या सीन है, इन्वेंट्री कुछ ग्राउंड फ्लोर पे कुछ मेरे ख्याल से 3 बची होंगी इन्वेंट्री, फर्स्ट फ्लोर पे शायद 1 होगी, सेकेंड फ्लोर अभी मेरे रिसेंटली अगर आप देख रहे हैं, मेरे व्यूअर हैं बड़े, मेरे फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं, बहुत पुराने व्यूअर हैं, उन्होंने हमारी रिकमेंडेशन पे अभी सेकेंड फ्लोर पे एक शॉप ली है, वो आखिरी शॉप थी सेकेंड फ्लोर पे, वो उन्होंने ले ली, बेहतरीन शॉप थी, अच्छा सामने का उसका फ्रेंड था तो वो ले ली उन्होंने, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और तो सेकेंड फ्लोर पूरा सोल्ड आउट है, थर्ड फ्लोर यानी कि इनका फूड कोर्ट जो है थर्ड फ्लोर पे उस पर शायद 1 शॉप है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंस मेन ये है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अब स्टार्ट हो रहा है 1.9 CR के आसपास से, और अगर फर्स्ट फ्लोर पर आप चीज़ लेते हैं तो समवेयर अराउंड 1.9 CR के आसपास पड़ेगी। ग्राउंड फ्लोर की शॉप थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 2.5 के आसपास तक जा सकती है, और ऐसे ही रहेगा मतलब। और ग्राउंड फ्लोर पे जो बड़ी शॉप है थोड़ी, वो लगभग मान के चलिए 3.5 करोड़ तक चली जाएंगी। इन कंट्रास्ट टू दिस जो कॉन्शन 2 है, वहाँ पे आपको छोटी शॉप मिल जाएगी ग्राउंड फ्लोर पे 445 स्क्वायर फीट की, वो 1.2 CR तक के आसपास की मिल जाएगी। उसमें कुछ शॉप ऐसी हैं जो 2 CR के आसपास की भी हैं, लेकिन मैक्सिमम शॉप्स 1.2-1.5 CR तक की मिल जाएगी, 1.7 CR तक की मिल जाएगी। तो ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाना बहुत ज़रूरी था कि अगर आप कमर्शियल के सोच रहे हैं, डरने वाली कोई बात नहीं, ये दोनों कमर्शियल ऐसे हैं जिसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बेहतरीन चलेंगे कमर्शियल, ये बेहतरीन लोकेशन पे हैं, कैचमेंट बहुत अच्छा है आसपास, तो चलने वाली चीज़ है, डरने वाली चीज़ नहीं है। आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी बहुत बेहतरीन आएगा इसमें और ROI बहुत बेहतरीन आएगा, तो बिल्कुल मतलब नो ब्रेनर टाइप के कॉमर्शियल्स हैं। अगर मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर मेरे व्यूअर्स इस नंबर मुझे कॉल करके या #, आप 1DXP Street लिख देते हैं, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, या #, Central102 लिख देते हैं, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड, या हमें डायरेक्टली सबसे ईजी है कि इस नंबर पर कॉल करें और डायरेक्टली कॉल करके बात करें, समझें जो भी आपके अगर क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो समझें, और फिर देर ना करें इसमें कॉमर्शियल में, क्योंकि देर करने वाला टाइम अभी है नहीं। सिग्नेचर ग्लोबल का भी वैसे रेरा आ गया है, 37D का रेरा आ गया, उसमें भी मेरे कई व्यूअर्स ने पहले से चेक दिए हुए थे, तो उनको अलॉटमेंट दिलवाना है भाई, हमने वादा करा था, तो उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप पूछ लीजिएगा। लेकिन बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस वीडियो की खास बात ये है, कंक्लूड करते हुए मैं ये बोलूँगा, इस नंबर पर आप कॉल करिए या #, आप Central102 या #1DXP Street लिख देगा, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। बस इतनी सी बात करनी सबसे, आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए टाल हो।